ऐसे समय में जब हरियाणा में नई सरकार बनने में कुछ ही वक्त बचा है, हर आम और खास ये जानना चाहता है कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। वहीं एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिखाए, उन आंकड़ों में भी कहीं तो तस्वीर साफ दिखी तो कहीं कुछ धुंधलाहट भी नजर आई। ऐसे में कुछ अहम सवाल हर किसी के दिलो दिमाग में चल रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल के ये आंकड़े सही हैं या नहीं, और अगर सही हैं तो फिर किसकी सरकार बनेगी। अक्टूबर और दिन शुक्रवार, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये वो दिन है जिससे ये साफ हो जाएगा कि सूबे में किसकी सरकार बनेगी और आपके हलके का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन आज के नतीजों ने आपको अपना विधायक तो दे दिया, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये साफ नहीं हो पाया। जो जनादेश बीजेपी को मिला उससे वो सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, मगर बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। अब बीजेपी और कांग्रेस इस जोड़ तोड़ में लग चुके हैं कि सूबे की कमान संभालने के लिए किसे अपना हिस्सेदार बनाया जाएगा। पहले तो कांग्रेस भी सरकार बनाने के दावे किया करती थी, लेकिन नतीजों ने थोड़ा मायूस जरूर किया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार बनाने से पीछे रह गई है, वो भी सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकती है। देखिए, हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश आया है, सभी को इकट्ठे होकर सरकार बनानी चाहिए, जनादेश का मान करना चाहिए, अपने बैठ के फैसला करेंगे। अगर कांग्रेस सरकार बनाने की सोच सकती है तो उसे जेजेपी को अपना सहयोगी बनाना होगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जेजेपी को ही टकटकी लगाकर देख रही है। लेकिन कौन कहता था कि 11 महीने पहले बनी जेजेपी पार्टी, जिसे नेता मजाक उड़ाते हुए बच्चा पार्टी कहा करते थे, वो इस तरह का उमदा प्रदर्शन करेगी। जब प्रदर्शन इतना शानदार रहा हो तो उनका भी डिमांड करना लाजमी है। फिलहाल जेजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर जेजेपी का मंथन करना अभी बाकी है। पार्टी का एक विधायक बने, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे का फ्यूचर कोर्स क्या है। कहना किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे, ये फैसला दुष्यंत चौटाला का नहीं है। सर, किसी के बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पार्टी के विधायकों के नंबर्स की पहले कंफर्मेशन आएगी, बैठक लेकर उस पर लड़ेंगे। इसलिए राजनीति इतनी दिलचस्प है क्योंकि हर मिनट सेकंड राजनीति में गणित बनते और बिगड़ते हैं। अब निगाहें दुष्यंत चौटाला और निर्दलीय प्रत्याशियों पर रहेगी कि वो किस ओर जाते हैं, लेकिन जो पार्टी उनकी डिमांड को पूरा करेगी वो सत्ता का सरताज जरूर बन सकती है। पॉलिटिकल डेस्क, खबरें अभी तक।